What's up guys? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक रियल इंसिडेंट जो कि मेरे साथ कल हुआ। और गाइज ये है एक काफी सीरियस इंसिडेंट, तो कल रात मैंने सोने से पहले सोच लिया कि ये इंसिडेंट को मैं आप लोगों के साथ करूंगा शेयर, एंड हियर इट इज, हियर आई एम। तो आप लोग भी इस रेड डॉट को देखना बंद करो और बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस ये इंसिडेंट हुआ कल रात। भाई हम लोग सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, मैं, पापा, मम्मी और भैया। तो भाई मतलब खाना हम लेने वाले हैं, प्लेट में हम नहीं रखने वाले हैं, और पापा अपना फोन निकालते हैं उस टाइम। तो भाई हम सोच रहे हैं कि ये पापा फोन क्यों निकाल रहे हैं, हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन देख रहे हैं कि पापा फोन क्यों निकाल रहे हैं। भाई पापा ने अपना फोन निकाला और उन्होंने एक फोटो दिखाई, सबको दिखा रहे हैं। वो पहले मम्मी को दिखाई, फिर भैया को दिखाई, फिर मेरे सामने आई। जब तक वो मेरे सामने आए तब तक मम्मी और भैया वो दोनों कंफ्यूज हैं, मतलब वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं ऐसे करके, मतलब अभी आपको बताऊंगा हमें क्या मैसेज है। और उसके बाद वो मैसेज आता है मेरे पास, मैं उसको रीड कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को मैं रीड करके बताता हूँ। और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये जियो का फोन, क्योंकि मेरा फोन अभी लगा है वीडियो रिकॉर्डिंग पर। ऊपर का तो नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें लिखा हुआ है, यह हकीकत है, भरोसा नहीं है तो कैलेंडर उठाकर देख लो, February 2021 आपके जीवन में दोबारा नहीं आ सकता। ओहो, क्योंकि इस साल फरवरी में चार रविवार, चार सोमवार, चार मंगलवार, चार बुधवार, चार गुरुवार, चार शुक्रवार और चार शनिवार, यह प्रत्येक 223 साल में एक बार आता है। यह धन की प्राप्ति कहलाता है, इसलिए कम से कम पांच लोगों को या पांच ग्रुप में भेजो। लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी, पढ़ने के 10 मिनट के अंदर अंदर भेजो। तो भाई ये मैसेज पढ़ने के बाद मैं अपने आप को इतना स्पेशल फील कर रहा हूँ कि भाई ये तो 823 ईयर में एक बार आता है और मेरे साथ हुआ ये। मैं उस फरवरी से निकल के आया हूँ अभी, और भाई मैं, मम्मी और भैया मतलब अपने आप में ही देख के ये सोच रहे हैं कि वाह भाई पापा ने तो बहुत स्पेशल चीज दिखा दी हमें, हमें तो ये पता ही ना चलता। और शायद आप में से भी अभी तक कुछ लोग इसको नहीं समझ पाए होंगे लेकिन मैं बताता हूँ। भाई फिर हम लोग बैठे हुए हैं तो मैं सोच रहा हूँ यार ये ऐसा कैसे हो गया। तो फिर मैंने सोचा भाई फरवरी में अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में होते हैं 28 डेज, एक वीक में होते हैं 7 डेज, तो 7 × 4 इज इक्वल टू 28। तो यानी कि फरवरी में तो सब चार चार ही आएंगे, संडे मंडे सारे चार ही आएंगे। और उस टाइम मेरे एक माइंड का हाफ बोल रहा है कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, लेकिन दूसरा सोच रहा है कि मम्मी भैया और पापा ये तीनों एक सी सोच रहे हैं तो शायद मैं गलत हूँ। लेकिन भाई मैंने थोड़ा करेज दिखाया और मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, भाई पापा तो सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ सुन तो लो, ये थोड़ा गलत है, शायद आपका ये व्हाट्सएप वाला मैसेज थोड़ा गलत है, एक बार मेरी सुन लो। भाई पापा सुनने को तैयार ही नहीं है कि नहीं ये कैसे गलत सकता है, मेरे व्हाट्सएप पे आया, गलत कैसे हो जाएगा। और भाई मम्मी और भैया के बोलने के बाद वो थोड़े कन्विंस हुए, और कन्विंस वो किस शर्त पे हुए कि मैं गलत ही हूँ, मतलब मुझे सुन में गलत मान लिया गया है कि मैं गलत हूँ और आप सही हो, बस एक बार सुन लो जो मेरा पॉइंट है, एक बार सुन लो। उन्हें एक्सप्लेन किया, उन्हें तब भी यकीन नहीं हुआ। मैं उठ के अंदर गया, कॉपी पेन लाया, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, फिर वो समझे। फिर उसके बाद मैंने मम्मी और भैया को भी समझाया, फिर वही हम आपस में देख रहे हैं। और शुरुआत में भैया तो थोड़ा समझ चुके थे, लेकिन जब पापा ने बताया, जैसे कि मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ कि मैं ही गलत हूँ पापा सही हैं, तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई पापा ने दिखाया है तो सही होगा। भाई मम्मी तो पूरा ही मान के बैठ गई, मम्मी ने तो कुछ सोचा ही नहीं कि थोड़ा सोच भी लूँ, उन्होंने तो पूरा ही मान के बैठ गई। भाई फिर एक्सप्लेन करने के बाद जो हम हंसे पापा के ऊपर, भाई पापा डाइनिंग टेबल पे खाना भी नहीं खा पाए, वो अपने रूम में गए हैं बेचारे खाना खाने के लिए। तो गाइस आप इससे देख लो कि व्हाट्सएप पर क्या क्या शेयर होता है, और स्पेशली हमारे पेरेंट्स कोई उन्हें कोई चीज मिलती है तो सबसे पहले अपने बच्चों को भेजते हैं कि भाई दूसरों को तो पता ही नहीं चलना चाहिए, सबसे पहले अपने बच्चों को भेज देते हैं ताकि उन्हें पता चले इन सब चीजों के बारे में। भाई उसके बाद मैंने थोड़ा पापा और मम्मी दोनों को समझाया कि व्हाट्सएप पर ऐसे फेक मैसेज आते रहते हैं, इनको फॉरवर्ड मत किया करो, भाई फिर जाके थोड़ा समझे वो अब शायद नहीं करेंगे, और आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो, अगर आपको डांट या फिर वो मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। भाई ये सब कुछ जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। और हाँ एक और इंसिडेंट है जो कि मेरे साथ पहले हुआ था इन्हीं मैसेजों को लेकर जो कि हमारे पेरेंट्स शेयर करते हैं। तो एक दिन मैं और पापा दोनों सेम रूम में बैठे हैं और मैं अपना व्हाट्सएप चला रहा हूँ और पापा अपना वहां पर व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो मैं मतलब अपने मैसेज चेक कर रहा हूँ, तो पापा ने मुझे गुड मॉर्निंग का कोई मैसेज भेजा होगा, उसके साथ कोई कोट भी होगा, मतलब यही मतलब लाइफ कोट वगैरह होगा, तो मैं उसको रीड नहीं कर पाया, मतलब एक ही मिनट हुआ है तब तक। भाई पापा गुस्से में आ गए कि तू क्या व्हाट्सएप पे कर रहा है, मेरे मैसेज नहीं पढ़ता, ये सब कुछ वो। मैं कहा एक बार रुक जाओ, एक मिनट हुआ है, थोड़ा टाइम तो दो पढ़ने के लिए। तो भाई मैं तो अपने पापा के सामने व्हाट्सएप भी नहीं चला सकता हूँ, मेरी तो ये कंडीशन है। भाई मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक सेकंड रुक तो जाओ, सबके मैसेज पढ़ने के बाद आपके मैसेज देखूंगा। कह रही नहीं मैंने अभी भेजा है तो अभी चेक कर। मैं कहा ठीक है ठीक है। भाई सबसे पहले मैंने पापा के मैसेज देखा, उसके बाद जाके वो शांत हुए। तो गाइस इस बात से मुझे केवल यही बोलना था कि व्हाट्सएप पर तो कुछ भी शेयर होता है, और स्पेशली हमारे पेरेंट जो कि बिना सोचे सबसे पहले अपने बच्चों को मैसेज भेज देते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। और वैसे
मेरे बोलने से क्या होगा, मैं अपने पापा को तो सम्मान दे पा रहा हूँ यार, ऐसे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस बस यही एक छोटा सा इंसिडेंट था जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नीचे वाली वीडियो में सबसे रिसेंट अपलोड उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन, सब्सक्राइब एंड